हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूं। मैं एनएलपी ट्रेनर और कोच भी हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि कुछ ही लोग, कुछ चंद लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो ऐसी कुछ क्वालिटीज क्या है, क्या रीजंस है कि वो सक्सेसफुल होते हैं। वैसे तो काफी सारी क्वालिटीज है सक्सेसफुल लोगों में, उसमें कुछ बातें मैं आज करने वाला हूं आपसे। तो नंबर एक ये है कि वो लोग कुछ भी हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, उनकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। जो भी कुछ होता है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं, लाइक मैं कॉज इन द मैटर हूं। वहां से वो काम करते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं, वहां से वो जिंदगी जीते हैं। यूजुअली क्या होता है कि सामान्य आदमी जो है वो बाहर कारण ढूंढते रहता है। जब उसको अपयश मिलता है, जब उसको प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो बाहर कारण ढूंढते रहता है। स्टूडेंट को पूछा तो पेपर बहुत टफ निकला, क्वेश्चन ही बहुत ही आड़े टेढ़े आ गए, या एग्जामिनर ने बराबर जांचे नहीं, या मतलब ऐसे कुछ तो भी कारण देते जाएंगे लोग। मेरा बॉस बराबर नहीं इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरा धंधा बराबर नहीं क्योंकि मेरे पास में फंड नहीं है, मेरा धंधा बराबर नहीं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, फिर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर यहाँ मैं कम पढ़ाई मतलब पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे पास में पूंजी कम है, घर वाले सपोर्ट, मतलब काफ़ी सारे रीजंस वो देते रहते हैं। और वो वहाँ नहीं खड़े रहते कि भाई जो भी कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरी वजह से हो रहा है, उसके लिए कारणीभूत मैं हूँ, लाइक आई एम बींग कॉज इन द मैटर। मैं कारणीभूत हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो रिजल्ट जब प्रोड्यूस करना है तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं मुझे अकाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा, जो भी आउटकम मैं निकालूंगा, जो भी नंबर्स मैं निकालूंगा, उसके लिए कारणीभूत मैं हूं। मैं किसी को दोष दूंगा नहीं, मैं किसी के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उधर है तो तीन उंगलियां अपनी तरफ भी है और एक ऊपर है, तो ऊपर इसका मतलब भगवान की तरफ नहीं है, तीन उंगली अपनी तरफ है। तो वो हमें देखना है कि भाई हम कारणीभूत कैसे है। और वो सक्सेसफुल आदमी बोलता है कि भाई मैं कारणीभूत हूं, ऐसा वो घोषणा करता है, ऐसा खुद बोलता है, ना कि उसको कोई बोलता है कि तू कारणीभूत है। तो वो सक्सेसफुल आदमी वहां से जीवन जीता है कि भाई जो भी कुछ हो रहा है, मेरा लाइफ जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, वो मेरी जिम्मेवारी है। नंबर दो, सक्सेसफुल लोग वही फील्ड में काम करते हैं कि जो फील्ड में वो पैशनेट है, मतलब वो खुद को भूल जाके काम कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं पैशनेट है ये कैसा समझना, भाई मुझे जो अच्छा लगता है वो काम मैंने करना, मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि 99% ये लोग बोलते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे चॉइस दिया तो मैं करूंगा नहीं। मुझे अगर पूछा गया तुम काम करेंगे ये, तो बोले नहीं नहीं मैं काम नहीं करूंगा। फिर काम क्यों करते हैं लोग, क्योंकि पैसा मिलता है करके लोग काम करते हैं। सो फॉर अर्निंग मनी पीपल गो टू वर्क, मतलब पैसा कमाने के लिए लोग काम पे जाते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग धंधे पे जाते हैं, वो पैशनेट नहीं है। पैशनेट इसका मतलब ऐसा है कि आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, ना पैसा, ना शाबाशी, ना प्रशंसा, ना कोई सर्टिफिकेट, तभी भी आप आपका पूरा दे रहे और काम करते जा रहे, उसको बोलते पैशनेट। वो पहचानना कैसे कि आई थी 12-12 घंटे यदि आप बिना प्यास, मतलब बिना पानी, बिना खाना, बिना थकान यदि आप काम कर सकते हो 12-12 घंटे, और आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, और 12 घंटे आप काम करते जा रहे हो, समझ जाना कि आप उसमें पैशनेट है। मतलब जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तभी वो काम करने में आपको मजा आ रहा है। तो सक्सेसफुल लोग वो काम करते जो काम में उनको बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा, ताकि वो काम उनके लिए काम नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि चूज अ जॉब ऑफ योर चॉइस, चूज अ जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ, एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन लाइफ। ऐसे काम का चुनाव करो कि जो काम के ऊपर आप बहुत प्यार करते हो, और यदि आप वो काम करते हो, वो आपका धंधा है, वो आपका पैसे कमाने का माध्यम है, तो आपको फिर एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं है। और मगर ऐसा नहीं है कि जो काम करे उसके ऊपर आप प्यार नहीं करते हो,
मतलब वो प्यार का काम नहीं है, जिसमें आप प्यार करते हो वो काम नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करना चालू करो। तो पहले बताया मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा मैंने बताया कि सक्सेसफुल लोग बहुत ही पैशनेट रहते हैं, जुनून उनको रहता है, बहुत ही उत्साह रहता है, बहुत ही एंथुजियाज्म रहता है, और वो जोशीले रहते हैं और पूरी ताकत से वो भिड़ जाते हैं वो काम करने के लिए, और उनको बहुत काम करने में वो बहुत मजा आता है, वो उनके लिए काम नहीं रहता। तीसरा सक्सेसफुल लोगों का ये है कि वो उनको जो काम करते हैं तो वही काम वो करते हैं जिसमें उनकी मास्टरी है। अब मास्टरी कैसे पहचानना कि वो मास्टरी है करके, मतलब महारत हासिल किया हुआ है वो काम में। तो कोई भी काम में महारत हासिल किया है ये कैसे पहचानना, समझे? अखाड़ा कार ड्राइवर है तो अच्छा ड्राइवर है ये कैसे पहचानना, या अच्छा हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट है तो वो कैसे पहचानना? तो कार का यह है कि कम से कम 20,000 घंटे उसने कार चलाई होंगी, 20,000 आवर्स, तो समझ जाना कि ये अच्छा ड्राइवर है। तो कोई भी आप जो काम करते हो वो काम में यदि आपने 20,000 घंटे दिए हुए हैं, 20,000 आवर्स यदि आपने दिए हैं, इसका मतलब आपने वो काम में महारत हासिल किया। अब 20,000 मतलब 20,000 घंटे कोई भी काम में देना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यदि आप उसके ऊपर काम नहीं करते होंगे, वो प्यार के ऊपर, वो काम के ऊपर प्यार नहीं करते होंगे तो आप वो हार्डवर्क करेंगे नहीं, क्योंकि 20,000 घंटे काम करना है इसका मतलब वो काम के ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, काफी घंटे काम करना है, ताकत से काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी साथ देनी चाहिए, अपना मन साथ देना चाहिए, और मन और तन जब साथ देगा तब वो काम होगा। तो जिसके ऊपर आप प्यार करते नहीं हो वो काम आप करेंगे नहीं इतने 20,000 घंटे। इसका मतलब आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, और महारत यदि आपने हासिल किया हुआ है वो काम के ऊपर तो आप वो काम करेंगे जरूर, मतलब 20,000 घंटे काम करेंगे। और यदि 20,000 घंटे आप यदि काम करते हैं, देखो ना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये लोग 4.5 साल 5 साल से लेके 8 साल 10 साल पढ़ाई करने में देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब उसने उन्होंने 20,000 घंटे दिए रहते हैं। एक डॉक्टर यदि MD और MS है तो वो 4.5 साल उसके मेडिकल कॉलेज के, 1 साल इंटर्नशिप का, 5.5 साल और 3 साल MD MS, मतलब 8.5 साल देता है वो। और एक आदमी यदि 4-5 घंटे 6 घंटे दिन में काम करता है तो देखो कितने कितने साल हो गए, मतलब कम से कम 5 से 7 साल उसके हो जाएंगे जिसमें 20,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो एक है महारत हासिल करना उसके ऊपर, इसके लिए 20,000 घंटे, दूसरा है पैशनेट रहना, और तीसरा है कि भाई आपने उसकी जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ मैंने चौथा भी बता दिया, मतलब पहले इसमें दूसरा बता दिया कि भाई अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब यह है कि भाई रिजल्ट प्रोड्यूस करना वो जवाबदारी मेरी है। ऐसा नहीं है कि मैं जवाबदारी ले रहा हूं, काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो ऐसा नहीं रहता है कि रिजल्ट्स भी आना चाहिए मैं काम कर रहा हूं तो मेरी एक्शन इफेक्टिव एक्शन रहना चाहिए, ऐसी एक्शन की जो एक्शन से मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसी एक्शन मेरी होना चाहिए। और नेक्स्ट आइटम जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि सक्सेसफुल लोग काम करते हैं, ना कि आप अंदर जाते हो दिमाग में। और दिमाग में जाना मतलब कैसा, कि अपने मूड नहीं है, आज मुझे फील नहीं हो रहा कि मैंने काम करना चाहिए, आज मेरा मूड नहीं है, आज का दिन, अभी क्या दिवाली है, अभी क्या है, अभी तो होली है, अभी तो क्या त्यौहार है, आज नहीं काम करेंगे, अभी तो गेस्ट आए हैं, मतलब उनका शब्द नहीं रहता काम में, और वो कुछ ना कुछ कारण ढूंढे काम नहीं करने का, या फिर मूड नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मुझे आराम करने का मन कर रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मतलब अंदर की जो दिमाग में चलने वाली जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक वो चलते हैं, ना कि काम करते, सो दे डोंट एक्ट, तो वो परफॉर्मेंस नहीं करते। तो ये आप यदि परफॉर्मेंस करते और अंदर नहीं घुसते दिमाग में और मूड फीलिंग्स एंड थॉट्स से नहीं आएंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगा। आपके आजू बाजू में काफी सारे लोग होंगे कि जो लड़खड़ाते होंगे सक्सेसफुल होने में, उनको आप ये जरूर वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, शेयर करो, काफी सारे मेरे वीडियोज है वो आते रहेंगे, हर हफ्ते में वीडियो डालते रहता हूं, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी, आप सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर हिट करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आते जाएंगे। जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को भेजेंगे, तो हर आदमी जो भी धंधे पानी में लगा हुआ है और जो भी मतलब जूझ रहा है सक्सेसफुल होने में, वो यदि ये प्रिंसिपल फॉलो करता है डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।